हेलो भाइयों, मैं सचिन संसनवाल, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। भाई आज हम बात करने वाले हैं ऑडी के बारे में। ये ऑडी A3 35 TDI इंजन के साथ आती है भाई, ज़बरदस्त गाड़ी है। आज हम इसके बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। अगर इसके इंजन की मैं बात करूं तो TDI डीजल इंजन इसके साथ ऑफर करती है ऑडी, 1968 cc का, जो पावर प्रोड्यूस करता है 143 BHP की पावर और 320 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। 4 सिलेंडर इंजन के साथ आती है। फ्यूल सप्लाई सिस्टम CRDI है हुंडई वाला। बाकी गाड़ी भाई एकदम ज़बरदस्त खतरनाक लुक के साथ ये आती है, तो बहुत ही ज़बरदस्त। अगर इसकी ऑन रोड प्राइसिंग की मैं बात करूँ तो भाई 30 लाख इसकी ऑन रोड प्राइसिंग है न्यू दिल्ली के हिसाब से। बाकी एक बार मैं इसकी डायमेंशंस की बात करूँ, इसकी लेंथ की अगर बात करूँ तो 4458 mm की आपको इसमें लेंथ मिलती है। अगर विड्थ की बात करूँ तो 1796 mm की आपको इसमें विड्थ मिल जाती है। हाइट की अगर भाई बात करूँ तो 1416 mm की हाइट मिलती है। 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। 2637 mm का आपको इसमें व्हील बेस मिलता है। भाई इतने फीचर हैं गाड़ी में, मतलब बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं। आज सबके बारे में बात करने वाले हैं हम। 1490 किलोग्राम का इसमें कर्व वेट मिलता है, ग्रॉस वेट 1890 किलोग्राम का मिलता है भाई आपको इसमें। एक बार सेफ्टी की और बात कर लेता हूँ भाई मैं इसमें। एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, ब्रेक असिस्ट, सेंट्रल लॉकिंग, पावर डोर लॉक, चाइल्ड सेफ्टी लॉक्स। और अगर एयरबैग की मैं बात करूँ तो 6 एयरबैग आपको इसमें मिल जाते हैं भाई। रियर सीट बेल्ट्स आपको इसमें मिलती हैं, सीट बेल्ट वार्निंग, डोर हजार वार्निंग, साइड इंपैक्ट बीम, फ्रंट इंपैक्ट बीम, ट्रैक्शन कंट्रोल, एडजस्टेबल सीट्स, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल सिस्टम, इंजन इमोबिलाइजर, क्रैश सेंसर, सेंट्रली माउंटेड फ्यूल टैंक, इंजन चेक वार्निंग, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, एंटी थीप डिवाइस, स्पीड सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक, नी एयरबैग, आइसोफिक, चाइल्ड सीट माउंट। ये बहुत सारे फीचर्स हैं, और भी बहुत सारे हैं, मैं भूल गया हूँगा। बाकी इसके फ्रंट से बात करते हैं भाई। अगर फ्रंट से मैं बात करूँ तो ऐसी कुछ ये लगती है, बहुत ज़्यादा लंबी है, काफ़ी ब्लू कलर में है भाई, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लग रही है। और इन गाड़ियों का तो भाई कोई मुकाबला है ही नहीं। और जब चलाते हैं ना तो ऐसा लगता है, मतलब चलाए जाओ इसको, चलाए जाओ, मतलब इतनी ज़बरदस्त फीलिंग। म्यूज़िक सिस्टम भाई, मतलब ऐसे लगता है कि अंदर किसी होटल में बैठ गए हो, बहुत ज़बरदस्त। मैं दिखाने वाला हूँ आपको अंदर से भी इसको। यहाँ पे वाइपर्स मिल जाते हैं आपको। 2016 मॉडल है भाई ये, 2016 वाला मॉडल है। अगर इसके हेडलैम्प्स की मैं बात करूँ तो प्रोजेक्टर मिलते हैं। यहाँ पे आपको DRLs मिल जाती हैं, देख सकते हो आप ये DRLs यहाँ से बहुत गजब लगती हैं भाई ये। अगर रात में जलती हैं ना, बहुत ज़बरदस्त लगती हैं। यहाँ पे बड़े बड़े से ऑडी का लोगो मिल जाता है भाई, जिसकी बहुत ज़बरदस्त वैल्यू है आपको पता है। यहाँ पे ये क्रोम मिल जाएगी पूरे में। नीचे आपको ये फॉग लैंप मिल जाते हैं इस टाइप के, देख सकते हो आप, i20 टाइप के, जैसे पहले i20 आती थी 2015-16 वाला मॉडल, तो उसमें मिलते थे ऐसे फॉग लैंप। काफ़ी ज़बरदस्त लग रहे हैं ये फॉग लैंप। बाकी नीचे शार्प क्रीज इसी बन रही हैं, तो बहुत ज़्यादा स्पोर्टी बना रही है गाड़ी को, तो ओवरऑल ऐसी लगती है भाई गाड़ी। एक बार साइड प्रोफाइल से मैं बात करूं तो साइड से देख सकते हो आप, इतनी लंबी, मतलब बहुत ज़्यादा लंबी गाड़ी है भाई, बहुत ही ज़बरदस्त। अंदर बैठते हैं तो मतलब कुछ पता ही नहीं चलता भाई, बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं, नॉइज़ नहीं बिल्कुल भी। अगर मैं इसके टायर साइज़ की बात करूं तो भाई इसका टायर साइज़ है 205/55R16 16 इंच के, ऐसे कुछ अलॉय मिलते हैं भाई इसमें। आगे आपको डिस्क ब्रेक मिलती हैं, रियर में भी डिस्क ब्रेक मिलती हैं आपको, बीच में ऑडी का लोगो मिल जाएगा। यहाँ पे एस लाइन की बैजिंग मिल जाएगी आपको, देख सकते हो आप, इसका इंजन कंपार्टमेंट है। यहाँ पे ऐसे ORVM मिलते हैं आपको, एक टर्न इंडिकेटर के साथ मिलते हैं LED में, बहुत ज़्यादा मस्त लग रहे हैं ये, देख सकते हो आप। क्रोम मिल जाती है आपको वहाँ तक दोनों डोर्स पे, काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं देखने में। नीचे ये देखो आप, देख सकते हो ये जो चीज़ है ना इसकी, मतलब इसको बहुत ही स्पोर्टी बना रही है भाई गाड़ी को ना, ये बाहर निकला हुआ सा है थोड़ा सा और बहुत ही स्पोर्टी बना रही है। एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ इसकी भाई, एक बार अनलॉक करिए, करो एक बार अनलॉक करो, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, इसकी बिल्ड क्वालिटी दिखाता हूँ कि इसकी बिल्ड क्वालिटी क्या चीज़ है। मतलब ये देखो भाई, अगर आप थर्ड सुन पा रहे हो ना, तो मतलब यार, मतलब गजब है। कॉन्फिडेंस लेवल इतना अप हो जाता है ना, मतलब इसमें बैठे पीछे, मतलब कि ऐसे लगता है कि हाँ भाई, बहुत ज़्यादा सेफेस्ट गाड़ी के अंदर हम आ गए हैं। बहुत ज़बरदस्त भाई इसकी बिल्ड क्वालिटी की तो सबको पता ही है, जो देख सकते हो आप। गाड़ी ओवरऑल बहुत ज़्यादा लंबी है भाई, देख सकते हो आप, ये देखिए
चलिए एक बार पीछे से और बात करते हैं इसकी। ये देखिए भाई, पीछे से कुछ ऐसी लगती है, बहुत ज़्यादा प्यारी। मतलब दिल आ गया भाई इस गाड़ी पे तो ना, मतलब बहुत ही ज़्यादा मस्त लग रही है। हाँ हाँ एक सेकंड, ये यहाँ पे आपको ये लोगो मिल जाएगा ऑडी का, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है, चार छल्ले वाला। और यहाँ पे A3 की बैजिंग मिल जाएगी आपको, 35 TDI इंजन। और भाई चार रिवर्स रोकेस सेंसर आपको इधर मिल जाएंगे। और यहाँ पे देख पा रहे हो तो कैमरा आपको यहाँ पे मिल जाएगा, रिफ्लेक्टर्स मिल जाएंगे, दो एग्जॉस्ट मिलते हैं भाई। ज़बरदस्त पावर ही इतनी है कि भाई, मतलब भाई एक बार इसको बंद करो फिर दोबारा खोलना, मैं दिखाता हूँ अपने व्यूवर्स को कि कितनी ज़बरदस्त लगती है। एक सेकंड, अब खोलना, देखो भाई कितनी मस्त लग रही है। मतलब यहीं से ही रिमोट से की से इसकी ओपन हो जाती है ये बूट। अगर मैं इसके बूट स्पेस की बात करूँ, ये 425 लीटर का बूट स्पेस आपको इसमें मिलता है, जो कि बहुत ही बढ़िया मस्त एकदम। इसमें भाई कुछ भी रख लो आप, बहुत ज़्यादा स्पेस है, देख सकते हो आप। अगर इसके स्पेयर व्हील की मैं बात करूँ तो भाई एक बार खोलना इसे यार। ये चीज़ मतलब ऑडी की बढ़िया नहीं लगती मुझे। मतलब यार ये इतने पतले पतले टायर क्यों देते हैं भाई इसमें, कुछ पता है इस चीज़ का यार? ये कॉस्ट कटिंग करते हैं, मतलब ये पतले टायर देते हैं, पता नहीं ये अजीब ही फंडा है इनका। नहीं ये स्पेयर व्हील है भाई, ये पतले ही आते हैं BMW में, ऑडी में, बड़ी गाड़ी में ऐसे ही आते हैं। चलिए एक बार इसको बंद करते हैं भाई। तो ओवरऑल कुछ ऐसी है भाई, पीछे से देख सकते हो आप, डबल एग्जॉस्ट दिया हुआ, पावर इतनी है कि गाड़ी में डबल एग्जॉस्ट तो चाहिए ही भाई। टेल लैम्प्स की और मैं बात करूँ तो भाई LED में मिलते हैं आपको, जैसा कि आपने अभी देखा था। ये जब बूट वगैरह ओपन करते हैं तो भाई एकदम बहुत ही मस्त लगते हैं ये। ऐसे कुछ टेल लैम्प्स हैं भाई, बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं, बहुत मस्त है यार गाड़ी। मतलब ना एक नंबर है भाई ये, मतलब पैसे वाले ही ले सकते हैं इसको तो भाई, मिडिल क्लास तो भाई सोच भी नहीं सकते इसको लेने के बारे में। 50 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको इसमें मिलती है भाई, डीजल गाड़ी है भाई। एक बार की दिखाना इसकी, ये देखो भाई ऐसी कुछ की मिलती है आपको, यहीं से आप खोल सकते हो इसके बूट को लॉक अनलॉक के लिए, देख सकते हो आप। एक बार इसको अनलॉक करते हैं, ये जब अनलॉक करते हैं तो भाई ये यहाँ पे जलते हैं। ये देखिए भाई इसका ड्राइवर साइड डोर, बेज इंटीरियर इसके साथ आपको मिलता है, गजब यार, मतलब एक नंबर भाई। इधर लॉक अनलॉक के लिए, इधर ओपनिंग के लिए मिल जाता है, इधर चारों पावर विंडो के कंट्रोल इसके लिए, विंडो के लिए, और यहाँ पे भाई इसको ORVM को सेट वगैरह करने के लिए यहाँ पे थोड़ी बहुत स्टोरेज मिल जाएगी। इधर आपको लेदर मिलता है भाई, इधर भी लेदर सही मिलता है। इधर आपको स्पीकर वगैरह की प्लेसिंग मिल जाएगी, टूटर वगैरह की। यहाँ पे ये देख सकते हो अब, ये बड़ी यूनिक चीज़ भाई इसमें, ये लाइट है, ये जलती है, बहुत मस्त लगती है यार, गजब लगती है। इधर आपको इसका प्लेट सी मिल जाएगी, एस लाइन की बैजिंग मिल जाएगी इस पर। ये देखिए भाई, ये कुछ ऐसा है इसका इंटीरियर, ब्लैक और बेज इंटीरियर है, गजब। मतलब भाई एक नंबर लग रहा है यार, मतलब भाई मतलब आप फील नहीं कर सकते, अगर आप इस गाड़ी के अंदर बैठोगे ना तभी फील कर पाओगे कि हाँ भाई कोई गाड़ी है, गजब की गाड़ी है भाई, एक नंबर है। और इसकी बिल्ड क्वालिटी वगैरह तो भाई एक नंबर है, गजब से। इसकी जो सीट्स है ना, मैं आपको दिखाता हूँ इसकी सीट्स भाई, देखिए अपने आप पीछे जा रही है, यहाँ से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ से आगे कर सकते हैं, देखिए यार। ये तो भाई पैसे खर्च करके ही मिल सकते हैं ये फीचर्स तो। देखिए लेदर सीट्स मिलती है भाई आपको इसमें, यहाँ पे लाइट वगैरह के, लेवलिंग के कंट्रोल वगैरह मिल जाएंगे आपको। ऐसे कुछ AC वेंट्स मिलते हैं भाई आपको, ये देखिए, ये कुछ ऐसा इसका स्पीडोमीटर और टैकोमीटर लगता है आपको, ये कुछ ऐसा इसका स्टीयरिंग। एक बार मैं इसको ऑन करता हूँ भाई, इसमें फ़िलिप की मिलती है भाई, वो इंजन स्टार्ट स्टॉप का इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो बाकी इसमें फ़िलिप की मिलती है। एक बार मैं इसको ऑन कर लेता हूँ, ये देखिए भाई, अब इसको मैं बंद करूँगा ना, ये अंदर चली जाएगी यार। ये भाई पैसे के काम है, गजब यार। ये कुछ ऐसा इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख सकते हो आप, इधर आपको टैकोमीटर मिल जाएगा, इधर स्पीडोमीटर मिल जाएगा भाई।
और इसकी जो स्पीड है 260 तक है भाई, इसकी स्पीड गजब यार। ऐसा कुछ स्टेयरिंग मिलता है आपको, लेदर रैप्ड मिलता है, ऑडी का इधर लोगो मिल जाएगा, इधर ये इंफोटेनमेंट सिस्टम से कंट्रोल वगैरह, नेविगेशन वगैरह इसके ये यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ऐसा कुछ इसमें मिलता है आपको स्टेयरिंग, यहाँ पे वाइपर्स के कंट्रोल मिल जाएंगे, इधर आपको इधर ये आपको हेडलैम्प्स के कंट्रोल मिल जाएंगे, और नीचे देख पा रहे हो तो यहाँ पे क्रूज कंट्रोल से रिलेटेड बटन्स मिल जाएंगे। एक बार मैं इसके एडजस्टमेंट की बात करूँ तो भाई टिल्ट और टेलीस्कोपिक भाई दोनों मिलता है ये आपको, गजब है यार, मतलब एक नंबर। देखो यहाँ पे भी सेंसर दिए हुए हैं इसमें, देख सकते हो आप, ये यहाँ से सेंटर से ऐसी ये देखिए आपने, ये अंदर चली जाती है, बाहर आ जाती है, बहुत गजब है यार। ये दो ऐसी वेंट्स मिल जाते हैं ऐसे, यहाँ पे 1000 लाइट के लिए बटन मिल जाएगा, ये यहाँ से अंदर भी चली जाती है, यहाँ से मैं करूँगा ये बटन से भी हो जाती है भाई, अब जैसे दबाऊँगा तो नीचे चली गई, करूँगा तो ऊपर आ गई है, देख सकते हो आप, काफ़ी मस्त फीचर है ये। यहाँ पे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी मिलता है आपको, देख सकते हो आप, गजब यार, मस्त एक नंबर, कैसी भी कोई दिक्कत नहीं। ये लाइट देख रहे हो आप, यहाँ से यहाँ तक पूरी लाइट है, 6 एयरबैग आपको इसमें मिलते हैं भाई। नीचे देखिए आप, यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर्स मिल जाएंगे, ये कुछ ऐसा इसका गियर है भाई, पार्किंग पे लग रहा है, एस्ट्रोनिक की कुछ बैजिंग है इस पर, बाकी गजब है यार। यहाँ से ये वॉल्यूम वगैरह के लिए, ट्रैक वगैरह चेंज करने के लिए, म्यूजिक सिस्टम के लिए, यहाँ पे RNDP, और ये इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक इसमें मिलती है आपको, ये कुछ इससे आप इसको इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल वगैरह कर पाओगे इससे, इस बटन से, नेविगेशन वगैरह के लिए, रेडियो मीडिया के लिए। यहाँ से आर्म रेस्ट मिलता है आपको इसमें, देख सकते हो, इसमें स्टोरेज भी मिलती है, ये देखो आगे भी हो जाता है पीछे भी हो जाता है, स्लाइडेबल है। और यहाँ पे कुछ ऐसा ही ग्लव बॉक्स मिलता है भाई, इसकी तो क्वालिटी ही अलग है भाई गाड़ी की ना, गजब। एयरबैग की बैजिंग मिल जाएगी आपको उधर, देखिए एम्बिएंट लाइटिंग आपको इसमें मिलती है भाई, ये यहाँ से यहाँ तक इधर मिलती है, जल रही हैं अगर आप देख पा रहे हो तो, एक नंबर लग रही हैं भाई, गजब। ऐसा कुछ इसमें IRVM आपको मिलता है, जो कि आपको सेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने आप हो जाएगा। यहाँ पे ये मिल जाएगा आपको सनवाइजर, और यहाँ पे लाइट भी मिल जाएगी भाई, देख सकते हो आप, मतलब गाड़ी भाई एक नंबर है यार, मतलब बहुत गजब की फीलिंग आती है। इसकी लाइट भी ना भाई क्वालिटी अलग है यार, ये देखो, ये देखना भाई कितनी गजब है यार, एक नंबर लाइटिंग है भाई, ये कुछ ब्लूटूथ के माइक वगैरह मिल जाएंगे यहाँ पे, ये ऐसा मिल जाएगा, यहाँ पे वैनिटी मिरर मिल जाएगा विद लाइट, यहाँ पे एयरबैग की बैजिंग मिल जाएगी, ऐसे कुछ ग्रैब हैंडल्स मिल जाएंगे, फोल्ड हो जाते हैं जो। और भाई इसमें ये गजब की चीज़ देखो, सनरूफ, मस्त, ये कुछ काम नहीं कर रहा इसका, पता नहीं क्यों, ये देखिए भाई, ये तो यार एक लग्जरी है भाई, लग्जरी नेस फुल है भाई। सीट्स की अगर क्वालिटी की मैं बात करूं तो भाई एक नंबर, मतलब लेदर सीट्स आपको इसमें मिलती हैं, देख सकते हो आप, स्पीकर प्लेसिंग, मतलब यार इसका म्यूजिक सिस्टम आप सुनोगे ना, गजब यार, मतलब एक अलग ही स्वैग है भाई इसका ना, एक नंबर है भाई, गजब कतई, मतलब खतरनाक वाला सीन है भाई इसका, ये देखिए आप कितना मस्त है भाई। आगे से चलिए एक बार पीछे चलते हैं, इसमें पीछे क्या क्या है इसमें देखते हैं, ये भाई इसका पीछे वाला डोर देख सकते हो आप, यहाँ पे भी आपको ये लाइटिंग मिलती है, यहाँ पे कुछ ऐसा खोलने के लिए मिलता है, यहाँ पे विंडो का कंट्रोल मिलता है, यहाँ पे भी लेदर वगैरह सब कुछ मिलता है भाई, एक नंबर है। और भाई इनका कंफर्ट लेवल ना यार, मैं मतलब क्या ही बताऊँ आपको, कंफर्ट लेवल तो बहुत ही ख़तरनाक है भाई, इसके ही तो पैसे हैं, अंदर बैठते ही मतलब ऐसे लगता है भाई कितने आलीशान होटल वगैरह में आ गए हैं, मतलब देखिए आप, ये देखिए भाई इसकी फीलिंग लो, मतलब आप बहुत ही गजब है यार, बहुत मस्त लग रहा है, देखो इधर लाइट, मतलब
कितनी प्यारी लाइट है यार, देखिए आप लाइट भी बहुत ज़्यादा प्यारी है। ये देखिए पीछे से कुछ ऐसा लगता है, इसका इंटीरियर भाई गजब का इंटीरियर है भाई। मतलब ये गाड़ी ना इतनी ज़बरदस्त होती है ना, तो इनका इंजन कहीं भी जाता है कितने, मतलब दो दो तीन तीन लाख तक, तो ये कुछ बोलती भी नहीं है गाड़ी। मतलब हमारे यहाँ की तो मारुति वारुति 1 लाख पे तो भाई ख़त्म हो लेती है, और ये तो भाई कुछ भी नहीं है, मतलब 1-2 लाख पे तो कुछ बोलती भी नहीं है ये गाड़ी। बस सर्विस करवाए जाओ इसके टाइम टू टाइम, ख़त्म बात। ये देखिए पीछे से कुछ ऐसी है, ये आर्म रेस्ट है भाई पीछे वाला, यहाँ से आप इसको ऐसे करके बूट में भी सामान वगैरह रख सकते हो। यहाँ पे ये कप होल्डर्स मिल जाएंगे आपको दो, यहाँ पे आप इस पे हाथ वगैरह रख के अपना आराम से चल सकते हो। एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं आपको तीनों पीछे दोनों आगे, एयरबैग में की बैजिंग मिल जाएगी आपको इधर, ऐसी कुछ पार्सल ट्रे, इसमें दो स्पीकर हैं पीछे भाई। इसका म्यूज़िक सिस्टम भी मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन वो दूसरी वीडियो में बनाऊंगा भाई, ये बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैं दूसरी वीडियो में सेपरेटली इसका म्यूज़िक सिस्टम आपको सुनाऊंगा। कॉपीराइट विदाउट कॉपीराइट म्यूज़िक सिस्टम आपको मैं सुनाने वाला हूँ भाई। इसकी जो म्यूज़िक सिस्टम की क्वालिटी है ना भाई गजब, मतलब ऐसे लगता है गाड़ी में बैठा ही रहे, मतलब चलता ही रहे चलता ही रहे। ये देखो ये दो एसी वेंट्स आपको पीछे मिल जाते हैं, चार्जिंग पोर्ट मिल जाएगा बाकी पीछे सीट्स के, यहाँ पे आपको ये कुछ सामान वगैरह रखने के लिए। और इसका कंफर्ट लेवल तो भाई एक नेक्स्ट ही लेवल का है, गजब है यार, बहुत मस्त है। देखिए आप लाइट वगैरह, ये रात में तो भाई एक मतलब आलीशान होटल जैसा ही लगता है, देखना बहुत ही गजब है भाई। चलिए एक बार बाहर उतरते हैं, यहाँ पे देखिए हुक वगैरह सब कुछ मिलते हैं भाई। तो भाई ओवरऑल कुछ ऐसी ही वीडियो थी, देख सकते हो। एक बार और दिखा देता हूँ मैं आपको, ये देखिए बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है भाई गाड़ी यार, मतलब एक अलग ही स्वैग है भाई इसका ऑडी का तो ना। ये देखिए भाई इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, अगर मैं बहुत सारे तो मुझे पे मतलब मुझे पता भी नहीं है, शायद भूल गया हूँ जो जो मुझे पता थे बाकी मैंने वे बता दिए हैं आपको। बाकी ओवरऑल कुछ ऐसी ही वीडियो थी, कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। और भाई अगर आपको भी ये गाड़ी अच्छी लगती है, आपको लगती क्या सबको ही लगती है भाई ये तो खैर, बाकी कुछ भाई की पर्सनल चॉइस भी होती है, अगर आपको ये अच्छी लगती है कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताना। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी मत जाना भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो यार, वीडियो देख लेते हो आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। और भाई सबसे पहले तो थैंक यू सो मच जो भाई मुझे मतलब इतना प्यार दे रहे हैं, वीडियोस को देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब करते हैं भाई, मतलब दिल से धन्यवाद है भाई आपका, बहुत बहुत थैंक यू। और भाई वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।